किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान होने के नाते मैं वर्तमान में जो जगह जगह पर किसान आंदोलन विभिन्न संगठन के लोग कर रहे हैं उनसे संवाद करने के लिए विनम्रता से मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं। अभी तक दुनिया की जितनी भी समस्याएं समाधान हुए हैं संवाद उसका महत्वपूर्ण आधार होता है। मैं इसीलिए उनसे संवाद की विनम्रता से निवेदन करता हूं। वो सार्थक सुझाव हमें दें, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार जहां भी हमारी राज्य सरकार है उससे उसका समाधान कराऊंगा। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही किसान होने के नाते दुखी किया है कि आजादी के बाद पहली सरकार है केंद्र की जिसने किसान और कृषि के बजट कृषि और किसान के कल्याण के लिए हिंदुस्तान के बजट का 52% हिस्सा दिया योजनाओं में। मैं इस बात को कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि शासन प्रशासन और समाज मिलकर ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में योजनाओं को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। कोई यह उम्मीद करता हो कि शासन योजना बनाता है शासन पहुंचा दे या प्रशासन की ओर पहुंचा दे या समाज उसको कर दे, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कर सकता हूँ शासन प्रशासन और समाज मिलकर इस बात को कर सकता है। मैं इस बात से दुखी हूं और मुझे कष्ट महसूस हो रहा है किसान होने के नाते जो लोग प्रतिरोध या प्रतिवाद के नाम पर युद्ध सड़कों पर गिरा रहे। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि एक बूंद भी अगर दूध जमीन पर गिरता है तो कोई भी किसान उस दूध को सर पर चढ़ाता है। किसान कोई दूध प्रतिवाद करने के लिए अपोज करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर नहीं गिरा सकते। दूध सड़कों को गिराने वाले लोगों के न चाल किसान के हैं न चरित्र किसान के हैं और न चेहरे किसान। जो आलू टमाटर सब्जियों को सड़कों पर फेंक रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पहले जान लें कि आलू टमाटर या कृषि के उत्पादन की चीज किसान जीविका की तरह मानता है और अपने जीव की तरह जीविका को मानता है। जीव और जीविका का बड़ा घनिष्ठतम संबंध किसान मानता है और उसको अगर कोई सड़क पर फेंकता है तो किसान सड़क पर अपोज के लिए प्रोटेस्ट के लिए नहीं फेंक सकता। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि किसान के आर्थिक समृद्धि के लिए सामाजिक समृद्धि के लिए राजनैतिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए किसान मोर्चा ने जो संवाद का कार्यक्रम चलाया और उस संवाद के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान परस्त योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि संवाद के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है जो समस्या का समाधान कर सके। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट अपोज या प्रतिवाद होना ही चाहिए, भारतीय लोकतंत्र का ये स्वभाव और भारतीय लोकतंत्र की ये तस्वीर। अपनी आपत्ति उस पर नहीं,
लेकिन किसान के मुद्दे पर जो सवाल प्रोटेस्ट के प्रतिकार के उठाए जा रहे हैं, उसके लिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे जहां भी बुलाए मैं वहां जाकर उनसे संवाद करने के लिए तैयार हूं, कहीं भी और किसी भी मंच पर और किसी भी मोर्चे, इस भरोसे के साथ कि उनकी सार्थक उनका सुझाव हम भारत सरकार से और अपने प्रदेश सरकारों से स्वीकृत कराने का पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे इस बात का भी दुख है, राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम चलाना चाहिए, सत्ता पक्ष की एक भूमिका होती है, सत्ता के विरोध में रहने वाली पार्टी की एक भूमिका होती है, जहां चुनाव होने वाले हैं जल्दी में वहीं किसानों के समस्या का आंदोलन खड़ा करना भी एक किसान आंदोलनकारी लोगों के चरित्र लक्षण पर शंका पैदा करती है। देश की किसानों की समस्या देश भर की है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन उसका समाधान भी संवाद से मुझे निकालना चाहिए। और ये किसानों की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई, और मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं कि एक दिन में समाधान भी नहीं होना। कृषि क्षेत्र की गरीबी धीरे धीरे होती है और कृषि क्षेत्र की अमीरी धीरे धीरे होती है। ये तस्करी नहीं है, व्यवसाय नहीं है कि तुरंत बहुत लाभ हो गया तुरंत बहुत नुकसान हो गया। कृषि हमारी देश की जीवन धारा है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक धाराएं उससे जुड़ी है और संपूर्ण जीवन धारा है। हम इस बात को करते हैं, वो लोग सिर्फ बात करते हैं किसानों की, किसकी आमदनी बढ़ा दीजिए।